व्यस्त रहे और मस्त रहे। जीवन में वही मस्त है जो व्यस्त है। व्यस्त कहां, अच्छे में, बुरे में नहीं, समझना। बड़ी अद्भुत बात लिखी गई, व्यस्त रहे और मस्त रहे। और जो व्यस्त है और जो मस्त है वो जबरदस्त है, और बाकियों से दुनिया त्रस्त है। जो व्यस्त है जो मस्त है वो जबरदस्त है, और बाकी जो बच्चे हुए हैं उनसे दुनिया त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। खाली दिमाग शैतान का घर। जितने ऐसे ही बैठे रहोगे दुनिया भर के फिजूल विचार आएंगे, दुनिया भर की फिजूल बातें याद आएगी, दुनिया भर का कचरा आपकी आंखों के सामने आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छे में व्यस्त रहे, श्रेष्ठ में व्यस्त रहे। कुछ काम नहीं आपके पास, शांति से बैठे हैं। याद कीजिए 10 साल पहले कोई तीर्थ पे यात्रा करने गए थे, परमात्मा कितने अद्भुत थे, कितनी अच्छी यात्रा हुई थी। शिखर जी गए थे, कैसी अद्भुत यात्रा करी थी, सभी साथ में मिलकर गए थे। शत्रुंजय गए थे, कैसी अद्भुत यात्रा हुई थी, परमात्मा के पक्षाल का लाभ मिला था। गिरनार जी गए थे, नेमिनाथ दादा के पक्षाल का लाभ मिला था। ये याद कीजिए ना, क्यों फिजूल की बातें याद करनी, क्यों किसी की निंदा याद करनी, क्यों किसी की बुराई याद करनी, क्यों किसी का निरर्थक याद करना। अच्छा याद करो ना, आज से तय कर लीजिए, जब भी समय मिलेगा हम अच्छी बातों की अनुमोदना करेंगे। आपके जीवन में आपने अच्छा दान भी किया होगा, आपके जीवन में आपने अच्छा तप भी किया होगा, आपके जीवन में आपने अच्छा त्याग भी किया होगा, आपके जीवन में आपने आपके कभी कभी अनुष्ठानों के अंदर, आराधनाओं के अंदर अच्छे भाव भी जगे होंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप फ्री हो जाए, आपको लगे कुछ भी काम नहीं है, तब आप व्यस्त रहे। कहां, अच्छी बातों को याद करके व्यस्त रहे, अच्छे की अनुमोदना में व्यस्त रहे और बुरे की निंदा से दूर रहे। जब भी लगे समय है, निंदा में नहीं, निरर्थक बातों में नहीं, बेकार की बातों में नहीं, फिजूल की बातों में कहां व्यस्त होना है, व्यस्त होना है अच्छी बातों में। आपके जो भी अच्छाई आपने कहीं देखी हो, आपने कहीं गुरु भगवान को देखा, अच्छी साधना कर रहे थे, उनको बंद आंखों से आंखों के सामने लाओ कि कैसे अद्भुत गुरु भगवंत थे। आपने कोई गुरु भगवंत की वाणी सुनी हो, दो चार शब्द आपके कान में पड़े हो और दो चार चीज आपको याद आई हो, बैठे बैठे चिंतन करो कितनी अद्भुत बात कही थी। आपने कोई रास्ते चलते हुए श्रवणी भगवंत को देखा, गोचरी बैरने के लिए जा रहे हो, गर्मी के मौसम में पैर में कुछ पहना ना हो और फिर भी शांति से, समता से, अप्रमत्त भावों से नीचे जमीन को देखते देखते गोचरी बैरने के लिए जा रहे हो, वो श्रवणी भगवंत को याद करो, कितनी अद्भुत ताकत थी उनके पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समर लीजिए, जब भी समय मिले व्यस्त रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। ऐसा कोई काम ना करे कि दुनिया आपसे त्रस्त रहे, दुनिया परेशान हो जाए आपसे। ऐसा काम ना करे, जीवन में व्यस्त रहना बहुत जरूरी।